अजीब डिजाइन का कुत्ता है भाई, भीख मांगने का स्टाइल देखो। इससे पहले सखावत हाथ इमताई की कब्र पे लात मारती हुई दोबारा लात मारे। ये यहाँ डॉक्टर हैं, कराची के हैं, ये नॉर्थ कराची के हैं। ये भी मेरा बयान सुना करते थे वंस अपॉन अ टाइम। नॉर्वे है जी, रात का मंजर आप देखें नॉर्वे का, रात ही है यहाँ पे, दिन तो बहुत ही थोड़ा हो रहा है। दिन में हमारा बयान था, मसाइल वगैरह का सिलसिला था, सेशन था, तो टाइम ही नहीं मिला शहर घूमने का। ये हमारे साथी हैं बाबर भाई हैं, राहिल भाई हैं, इमाम साहब हैं दारुल उलूम कुरंगी के। दारुल उलूम कुरंगी से फारिग हैं आप? कहाँ से फारिग हैं? सिराजुल उलूम से। सिराजुल उलूम से सरगोधा। तो यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से सबसे जो खूबसूरत तरीन कंट्री है वो नॉर्वे है हमारी रिपोर्ट के मुताबिक। ये लेकिन ये कह रहे हैं ये सिर्फ मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये और भी जो उलमा यहाँ हैं उनकी भी यही तर्जी है। वजह उसकी है कि माशी लिहाज से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी आप यूँ कह सकते हैं यूरोप के मालदार तरीन कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है। इनकी करेंसी भी इन्होंने यूरो से अलग ही रखी हुई है। ओहो, ये देखो अबे भाई, ये बेल तो नहीं देगी? नहीं नहीं, मस्त ट्राम है इनकी ना, ट्राम आ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत ट्राम है यार, ट्राम तो पूरे यूरोप में चलती हैं। ये बहुत यहाँ पर रिवाज है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज। ये इलेक्ट्रिक है, इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में स्कूटी बोलेंगे। स्कूटी दो पहियों वाली, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मोबाइल फोन से ऑन होती है, जिधर से आपने लेनी है कहीं पे भी इसको छोड़ दें। अच्छा, पर मिनट आपको चार्ज करेंगे। और एक और बात थी दिमाग से निकल गई। अच्छा, यहाँ गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक है ज्यादातर, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां नहीं है, कम है। और गवर्नमेंट उन पर बहुत टैक्स लगाती है, उनको खत्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो गाड़ियां भी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, चार्ज होती हैं पेट्रोल पंप पे, चार्जिंग लगी हुई होती है। गाड़ी आई, एक घंटा आपने चार्ज किया, कितना एक घंटे की चार्जिंग में? 600 किलोमीटर गाड़ी गाड़ी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, नॉर्मली 600 किलोमीटर तक, फिर वो गाड़ी 500-600 जगह जगह वो चार्जिंग के स्टेशन है। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि फ़ज़ा में धुआं बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये तेल पैदा करने वाले मुल्कों में, इनकी इकोनॉमी तेल पर चलती है, इसके बावजूद इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ताकि फ़ज़ा में आलूदगी ना हो। तो फ़ज़ा में बिल्कुल भी आलूदगी नहीं है, कोई एक जगह भी हमने ऐसी नहीं देखी जहाँ मिट्टी हो। जहाँ मिट्टी होगी वहाँ ये लोग घास लगा देते हैं ताकि जब हवा चले तो धूल मिट्टी ना हो। उसकी वजह से यहाँ जो लोगों की सेहत है वो बहुत ही अच्छी है। और यूरोप के मुल्कों में जो जिस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है वो नॉर्वे समझा जाता है। कोई गरीब वरीब नहीं है यहाँ पे? सब इनके गरीब हमारे गरीब तरह नहीं है, यहाँ पे गरीब थोड़े से और तरह के गरीब है। ये इनकी गुर्बत का जो उनका मयार है वो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे मुल्क से। अच्छा, हाँ जी। गरीब किसे कहते हैं यहाँ पे? सब इनकी, क्योंकि ये तो एक वेलफेयर स्टेट है तो यहाँ पे तो चूंकि हर एक को खाना पीना रहायश जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे गुर्बत के जो उनसे पैरामीटर्स हैं वो ये है कि आदमी के पास अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने के लिए कोई चीज ना हो। कमाल, यानी आप एक जगह पे आपका दिल कर रहा है कि यार ये मैं चीज खरीद लूं, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी ना हो तो वो उसको गरीब बोलते हैं। ओहो, यानी एक आदमी का बेचारे का दिल चाह रहा है चार शादियों का, वो नहीं कर सकता तो गरीब है। बस इस तरह तो फिर पूरा पाकिस्तान ही गरीब है हमारे यहाँ पे। अच्छा, यानी जिस आदमी की ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो ना, जरूरत से हटके ख्वाहिशात इजाफी, जरूरत तो हर एक की पूरी हो रही है, जिसकी इजाफी ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो तो उसको गरीब कहा जाता है। यानी हर आदमी की हर ख्वाहिश पूरी होती है यहाँ पे। जो खाना पीना रिहाइश एजुकेशन हेल्थ वो तो सारा गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो उसके खाना पीना रिहाइश एजुकेशन हेल्थ ये पांच चीजें गवर्नमेंट के जिम्मे है, तो बचा क्या? आपको किसी वजह से आपके पास इतने माली जो से मामला आपके ठीक नहीं है, आपको कोई बीमारी ऐसी है, आपको
किसी किस्म की कोई ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, आप नशे वगैरह के आदि हो गए हो, तो गवर्नमेंट फिर आपकी इतनी जिम्मेदारी लेती है कि आपको कुछ ऐसी जगह दे दे जिसपे आप रह सके, आपको इतने पैसे दे दे कि आप खा पी सके, अच्छा, और बाकी आपकी एजुकेशन और सेहत तो वैसे ही फ्री है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। पैसा फेंक तमाशा देख, पैसे वाला कंट्री है ना। लेकिन इन्होंने अपना इकोनॉमी की अक्सर निज़ाम बनाया मुफ्ती साहब के लोगों से लेके लोगों पे खर्च करना, सही। टैक्सेस जो से हमारे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसको कंपनसेट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना ये निज़ाम बना हुआ है सारा टैक्स लोगों के टैक्सेस से बना हुआ है। अच्छा, ये ऑयल के पैसे जो से हैं इन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा फंड बनाया हुआ है जिसके अंदर वो पैसे जमा करा रहे हैं। अच्छा, वो पैसे जो से हैं वो ये रिजर्व है, इनके वो रिजर्व है, वो इनके कानून के मुताबिक वो इनकी आवाम के पैसे हैं। अच्छा, तो वो आड़े वक्त में काम आएंगे। वो आड़े वक्त जैसे अब कोरोना आया तो उन्होंने उसके अंदर से पैसे निकाल के अवाम को दिए, फिर जिनको यानी जो ऑयल जो इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया है उसके सारे पैसे रिजर्व में जमा हो रहे हैं आड़े वक्त के लिए। जी बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ माएँ रखती है ना सोना जमा करके, बिल्कुल जी, बच्चियों की शादी में काम आएगा। तो इन लोगों ने भी ये सिस्टम किया हुआ है, शादी वादी का तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कि ये आड़े वक्त में काम आएगा कौम के। बाकी मुल्क सारा टैक्स पे चल रहा है लेकिन टैक्स खर्च बिल्कुल सही सही जगहों पे होता है, जिसका जिसकी रौनक आज आप ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी मतलब ये हुआ कि हमारा कंट्री में टैक्स लिया तो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह खर्च नहीं किया जाता। करप्शन बहुत, बस हम गाड़ी पार्क करनी है, बस आ रहे हैं। इसको पार्क किया अभी, हम कहाँ जा रहे हैं सब? ये यहाँ पे पीछे बादशाह का महल है, हाँ। यहाँ पे इनका पार्लियामेंट हाउस है। अच्छा, ये क्रिसमस की मार्केट यहाँ पे लगती है बड़ी मशहूर, तो बस वो सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ बादशाह रिवायती है, पहले नॉर्वे में बादशाहत थी ना, तो अब वो जमहूरियत आ गई, वजीर आजम पार्लियामेंट ये सारा सिस्टम है, लेकिन बादशाहत को इन्होंने रिवायती तौर पर बरकरार रखा हुआ है। तो बादशाह सलामत भी है और शहजादे भी हैं, शहजादियाँ भी हैं, तो वो सारा सेटअप ताकि इनका कल्चर बरकरार रहे। तो मैंने बार बार यूरोप के सफर में आपको बताया कि ये कल्चर को बहुत फोकस करते हैं कि कल्चर अपना कदीम जो है वो ख़त्म ना होने पाए। तो एक अलामती तौर पे बादशाह सलामत और मलका साहिबा और शहजादे मार्केट में अब भी मौजूद हैं। ये डॉक्टर की गाड़ी है, तो डॉक्टर साहब यही गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। लेगे का मतलब डॉक्टर होता है, लेगे का मतलब नॉर्वे जबान में डॉक्टर, एम्बुलेंस। गोलगप्पे का ठेला, बड़े ये इंडियन रेस्टोरेंट है, गोलगप्पे होते हैं नॉर्वे में। नहीं करो यार, ये यहाँ डॉक्टर हैं, कराची के हैं, ये नॉर्थ कराची के हैं। ये भी मेरा बयान सुना करते थे वंस अपॉन अ टाइम, 10-12 साल पहले अलफलाइया मस्जिद में आते थे ये, तो मैं इनको देख के हैरान हो गया, यार मैंने आपको देखा हुआ है। तो ये डॉक्टर बन के आए हैं यहाँ नॉर्वे में, और अभी यहीं के नेशनल हैं, अभी नेशनल होने वाले हैं, मेरा ख्याल है होने वाले हैं जल्दी। टाइट हो गया सही है ना, ये इनके भाई हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एक इनकी चीज है कि आप किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो बगैर उसकी इजाजत के किसी को भी नहीं दे सकते। यानी डॉक्टर जो है वो अपने कुलीग को भी नहीं बता सकता, वो अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बता सकता, नहीं दे सकता। इवन के अगर वो पेरेंट्स को भी इजाजत नहीं, अगर आप 16 साल से ऊपर हो गए, एक यानी आपके पेरेंट्स को भी डॉक्टर बताएगा नहीं आपको क्या क्या बीमारी है। नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आप आए ना, डॉक्टर साहब ये हमारे कराची नॉर्थ कराची के डॉक्टर हैं, नॉर्वे में हॉस्पिटल में होते हैं ये, पेशेंट का मरीजों का इलाज करते हैं नॉर्वे के अस्पतालों में। मुझे ये बताएं यहाँ लवेरिया नाम की बीमारी है? लवेरिया वहाँ बहुत है पाकिस्तान में, ये लवेरिया आजकल बहुत चल रहा है। इसमें क्या? ये मलेरिया का सुना होगा ना आपने, मलेरिया है। तो मलेरिया से मिलती जुलती है कि लव से शुरू होती है ये लवेरिया पे। हाँ, लवेरिया, लवेरिया है, यहाँ है।
लेकिन मखसूस टाइम में होती है। नहीं नहीं एक वो लवेरिया से आप वो नहीं हो बिल्कुल, जो एक इश्क हो जाता है ना और उसकी यादों में पागल और दीवाना होने लगता है इंसान, वो यहाँ की हवा हवा में मौजूद है लेकिन आदमियों में इंसानों में कम देखी जाती है, कम देखी जाती है। तो इस माश के पाकिस्तान में ज्यादा है, वहाँ ज्यादा है इन लोगों में। मसला ये यहाँ के यहाँ पर इंडियन चैनल नहीं आ रहा होता। अच्छा, अगर इंडियन चैनल आए शाहरुख खान सलमान खान तो लवेरिया जो बीमारी है वो यहाँ भी आना शुरू है। तो यहाँ भी ये वायरस अभी यहाँ पे फैला नहीं, फैला अच्छा, नहीं अच्छा, है अच्छा। और फैलना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसका इलाज भी नहीं है। अच्छा नहीं तो हमारे यहाँ इसका इलाज क्या है वो तुम साहब बताते हैं ना, शादी इलाज है ना, लवेरिया हो जाए शादी करो तो इन लोग क्या है लवेरिया हो तो शादी है ही नहीं, शादी है नहीं है यहाँ पे, शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वो लवेरिया इसी वजह से इन लोगों ने कोई वैक्सीन पहले से इजाद की हुई है उसकी, यहाँ पे हर वीकेंड ताकि हो ही नहीं। देखो यार कराची के डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, कराची के और लाहौर के और पंजाब के इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी साले जितने भी काबिल होते हैं मुल्कों में जा जाके काम कर रहे हैं, इनसे भी इन्होंने भी मुझे बताया था कि अभी साबिक दौरे हुकूमत में इमरान खान के दौर में कोई आवाज़ चली थी कि जितने पाकिस्तानी जो जिनमें कोई टैलेंट है जो बाहर हैं तो उनको हम पाकिस्तान वापस लाएंगे, तो बहुत से पाकिस्तानी इस नारे से इस आवाज़ से खुश हो गए थे कि चलो यार हमारे लिए, लेकिन फिर वो वापस सारा सेटअप दोबारा से वहीं का आके खड़े हो गए। एक दो वजह यही है हमारे के सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, उसमें इंसान को खतरे लगा रहता है कि बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरा ये कि एक इंसान सिस्टम नहीं बदल सकता तो फिर तो वो एक आदमी यहाँ से वापस भी आ जाएगा सिस्टम बेहतर करने के लिए, लेकिन उसके जो बाकी सारी जो पूरी टीम है अगर वो बात नहीं समझ पाएगी या नहीं अपनी सोच तब्दील कर पाएगी। आपका तो अपना नाम तो लोगों को बताएं ना। मेरा नाम सलमान आशमी है। ये सलमान आशमी जो है ना 2006 या 7 में अल-फलाही मस्जिद में मेरा बयान सुनने आते थे। बिल्कुल। तो मैं जब नॉर्वे आया बयान के दौरान इनको देखा, मैंने कहा यार ये बंदा तो देखा हुआ, और भी मुझे कुछ लड़के कराची के नजर आए जो मेरा बयान 10 साल पहले सुना करते थे, मुझे क्या पता था वो एक दिन नॉर्वे पहुंच जाएंगे। हाँ एक हैदरी के हैं। आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान और साइंस और इस्लाम जो है वो किस तरह साथ इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं अपने मदरसे में। जी जी। तो वही एक हल हो सकता है कि हमारी जो पाकिस्तान में जो रिलीजियस कम्युनिटी और एक जो लिबरल कम्युनिटी है वो साइंस और इस्लाम के साथ जो है मिल जुड़ जाए, वो जुड़ जाए, मौलवी और मिस्टर का फर्क खत्म हो जाए, मुल्ला और मिस्टर का फर्क खत्म हो जाए, तो उससे जो है शायद अल्लाह करे कुछ बेहतरी हमारे कम्युनिटी में आ जाए पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सल्लू अलल हबीब। ये बड़ी खानदानी बात हो गई। अच्छा भाई ये देखिए मुझे सबसे अजीब लगा नॉर्वे में गोल गप्पे का ठेला, अगर हम दिन में आते तो ये गोल गप्पे आपको नॉर्वे में नज़र आते। अब आप सोचें हम लोग ये इंडियन है, इंडियन पाकिस्तानी का ब्लड तो एक ही है और कल्चर भी एक ही है, तो ये अब अंग्रेज़ों को गोल गप्पे खिलाए जा रहे हैं, तो फ्यूचर का अंग्रेज़ आपके जहन में होना चाहिए, फ्यूचर में गोरा क्या होगा जो आज गोल गप्पे जब वो खाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा वो। ये देखो भाई भीख मांगने का तरीका, नॉर्वे में भी यही तरीका राइज है, भीख मांगने का स्टाइल देखो। ये भीख मांग रहा है, यहाँ वैसे किसी से मांगने पर पाबंदी है, जिसने भीख मांगनी होती है वो इस तरीके से बाजा लेके बैठ जाएगा गुनगुना। ये देखो लोग सिक्के राइज डाल के जा रहे हैं। जबरदस्त, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इसके बैंक अकाउंट का नंबर है, कोई अगर अकाउंट में पैसे डालना चाहता है। ये हमारे आसिफ भाई ने सखावत हातिम ताई की कब्र पे लात मारती हुई, दोबारा लात मारे हातिम ताई की कब्र पे लात मारने का आप मंजर देख सकते हैं। नॉर्वे की चवन्नी इन्होंने दी है, थैंक यू, खुश हो रहे हैं भाई। ओह जबरदस्त यार, ये भीख का स्टाइल देखो यार, जितने पैसे डाले उतने का गाना सुन लिया इन लोगों ने, ये चाह रहे पूरा सुन के जाए। एक मिनट ये देख लो भाई, ये एक बात ब्रेकिंग न्यूज, कराची का किमाड़ी और यहाँ का, ये नॉर्वे का किमाड़ी आ गए हम लोग, ये नॉर्वे का किमाड़ी है भाई, ओस्लो में किमाड़ी है। ये आयरलैंड तक जाती है ना कील, जो हमने आपसे नहीं कहा था, हाँ कील एक जजीरा है नॉर्वे से, कील यहीं से जाना था।
बड़ी जबरदस्त क्रूज है। वो कुत्ता देखो यार, आप मैं पहले समझा कोई भालू है या कोई दुकान में कोई खिलौना रखा हुआ है। ये नॉर्वे में कुत्ता अगर इसने मुझे हाथ लगा लिया ना, ये राइट अजीब डिजाइन का कुत्ता है भाई। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे करें ऐसे ऐसे ऊपर ये जो मैंने अभी कुत्ता दिखाया है ना, अगर कराची का एक आध कुत्ता हम यहाँ लाएं और इन कुत्तों से वो थोड़ी तमीज सीख लें और जाके फिर वहाँ ट्रेन करें। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कहाँ होते हैं आप? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान के हैं जी? किधर के? आज़ाद कश्मीर। ठीक है, चलें दुआ में याद रखें। पाकिस्तानी हर जगह है भाई। सोमालियन भी बहुत है ना यहाँ पे, काले ज्यादा, सबसे ज्यादा मुसलमान सोमालियन। उनके सुना है बच्चों की पैदा करने की स्पीड भी बहुत तेज है। एक सोमाली के कितने बच्चे होते हैं आमतौर पे? ये सात आठ तो नॉर्मल है। नॉर्मल है ये, और एब नॉर्मल 14-15। एवरेज 7। ये पार्लियामेंट हाउस है, ऊपर तक जा सकते हैं। बस हमने काफी है इतना, बस देखें। बहुत खूबसूरत है भाई, अंदर भी जा सकते हैं दिन के टाइम। ये क्या कोई होटल है? ये होटल है, ग्रैंड होटल। जितने भी इनके गैर मुल्की डेलीगेशन वगैरह आते हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह दूसरे मुल्कों के, इसी होटल में आते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलते हैं। ये आप सेंटर देख रहे हैं नॉर्वे ओस्लो में, ये वो जगह है जहां लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। मलाला यूसुफजई को भी यहीं पर लाके नोबेल प्राइज दिया गया था। ओबामा अमेरिका के सदर, उनको भी दुनिया में अमन कायम करने का अवार्ड दिया गया था यहां पे। ये आप देख रहे हैं नोबेल्स। सेंटर ये है जी नॉर्वे में। माइनस टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, -1 -2 कुछ इस तरह का टेम्परेचर। जीरो पे बर्फ जम जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। ये लोग कुछ क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं मेरा ख्याल है। नोबेल प्राइज की जगह है जी ये यहाँ पे। ये आप अजीब व गरीब दरख्त देखें ओस्लो में, नॉर्वे के शहर। आर्टिफिशियल दरख्त है ये और बहुत महंगा बनाया गया है। इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कितने का बनाया है? तकरीबन जो मुझे याद आ रहा है कि कुछ मिलियंस का ये बना था। अच्छा, यानी नॉर्वे की जो करेंसी है। अजीब दरख्त है, आर्टिफिशियल है पूरा, देखने में बिल्कुल सच्ची मुच्ची का तना लग रहा है इसका। अगर इसके बल्ब फ्यूज हो गए तो क्या नए लगते होंगे इसमें बल्ब? के इलेक्ट्रिक वालों से इसका कनेक्शन है, किंतु जलती नहीं है। नहीं, कुछ बल्ब खराब भी हुए हैं वो देखे हो। कंप्यूटराइज डिस्प्ले के रेट 1,25,000 बल्ब लगे हैं इसमें। अच्छा। 1,25,000 बल्ब लगे हैं एलईडी। अच्छा,
ये नॉर्वे जबान में लिखा हुआ है, 1,25,000 LEDs लगी हुई हैं इसमें, जो कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है इनका चल रहा है उससे। अच्छा, ट्री आर्ट कहलाता है ये, दरख्त का आर्ट। कमाल है, आप सोचें जन्नत का तसव्वुर करें जो कुरान में आता है ना, याकूत और मरजान जैसे महलात। ये दरख्त को हम करीब से देखते हैं, इसका तना कैसे बनाया है इन लोगों ने, देखें कलर चेंज हो गया, वही बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओरिजिनल तना। सर्दी बहुत हो रही है, कलर चेंज करता है ये। अजीब व गरीब दरख्त है जी, बिलियंस रुपए इसकी तामीर पे खर्च हुए हैं। ये हमारे गरीबों को दे देते हैं वहाँ एडी वेलफेयर को। अजमान भाई कुछ मशवरा दे रहे हैं नौर की। मैं कह रहा हूँ इतने सारे पैसों का ये दरख्त लगा है, लेकिन खैर इसने तो छांव भी नहीं देना क्योंकि प्लास्टिक के इसमें लीव्स लगे हुए, तो यहाँ के एडी वेलफेयर या पाकिस्तान में छिपा विपा को दे देते बेचारे गरीबों के काम आ जाता वहाँ पे लोग। मैं आपका मशवरा यहाँ गवर्नमेंट को पहुँचा देता हूँ, सैलाब जदगान में इतने, अगर आप ही को दे देते आप, फिर हम भी सैलाब जदगान की मुहिम चल रही है उधर चला देते उन गरीबों को। बेहतरीन बात हो गई, ले अब दोबारा ले, कलर चेंज किया है, कलर चेंज हो गया भाई, तो नहीं भाई मुझे गिरगिट लग रहा है चेंज हो गया। ये आपकी बातें सुन के ना मैं ये दिया कलर चीपा वाला कलर कर लिया। ले लिया इनके मोबाइल से, वो आप सिर्फ पैसे तो नहीं खर्च हो रहे थे हैं तस्वीर के किसने ये देखा भाई कलर चेंज हो रहे हैं मुसलसल। मैं भी ये कह रहा हूँ लेट्स मूव। ये जी नॉर्वे के बादशाह सलामत का महल है, 1905 में नॉर्वे डेनमार्क से अलग हुआ है, जो यहाँ लोग कहते हैं उस वक्त बादशाह थी यहाँ पे, बादशाह तो शुरू से रही ना मुझे सब। नहीं, 1905 में क्या था जब ये डेनमार्क से अलग हुआ है, ये डेनिश बादशाह थी ना। उसके बाद फिर यहाँ पे स्वीडिश जो से लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे किया बादशाह। अच्छा, उसके बाद फिर नॉर्वे जो सा वो इंडिपेंडेंट बन गया था। अच्छा, मुल्क जो सा 1907 में 1905 में, हाँ 1905 या 7 में। अच्छा, फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1900 कब, 1800 इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 17 मई। बादशाह को फोन करके बताएं इधर। नहीं, बादशाह को नहीं फोन कर सकता, लेकिन 17 मई को उनका सब ज़ईफ रिवायत पे जो हम बयान कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं पता, विकिपीडिया पे लिखा हुआ 1820 से हम ये दिन मना रहे हैं। 1820 जी, विकिपीडिया 17 मई को इनका कॉन्स्टिट्यूशन, 17 मई को बहरहाल ये यौम आजादी मनाते हैं, ये तो तयशुदा बात है, ये मुत्तफक होने लगे, बाकी रिवायतें कमजोर हैं। बहरहाल ये बादशाह सलामत, एक अदद बादशाह, एक अदद मलका, एक अदद शहजादा, एक अदद शहजादी, टोटल 4 अफराद इस घर में रहते हैं। तो इतने बड़े घर में बादशाह सलामत, मेरा ख्याल रहते नहीं होंगे, बस ये रह सकते भी नहीं है ना, बस एक रिवायती वो एक महल बनाया हुआ है अंदर। अच्छा, लेकिन जमात जाएगी तो मैं भी इंशाल्लाह ताला, मेरा जो मेरा सफर ना हो गया किधर का, फिर तो मैं जाना है। मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक है इंशाल्लाह बता सकते हैं। ये जो बादशाह सलामत के महल में गार्ड खड़ा हुआ है ना, इसके बारे में जरा रिपोर्ट पेश करें आप, क्या रिपोर्ट है, ये हिलता नहीं है, बोलता नहीं है, जरा रिपोर्ट पेश करें। लेकिन यहाँ पे नारे में वगैरह में जो गार्ड होते हैं बादशाह के या के मलिका के, उनका उनके प्रोटोकॉल में होता है कि उन्होंने किसी के साथ बात नहीं करनी और ना ही किसी की बात पे उन्होंने रिएक्शन देना। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो तस्वीरें वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आप अगर उनकी असले को हाथ लगाने की कोशिश करें या बदतमीजी करें तो फिर वो जो है ना रिएक्ट करते हैं, तंबी कर देते हैं कि करीब मत आए। अच्छा, लेकिन उसके अलावा जो है ना बोलते नहीं है बिल्कुल नहीं।
तो मैं इनकी वीडियो बना सकता हूँ? वीडियो तो बना सकता। अच्छा, जो रिएक्ट कर रहे हैं ये तो खातून है जी। अच्छा अच्छा, सही हो गया। सेल्फी ले सकते हो? ये गार्ड है। अच्छा सही। तो इनकी ड्यूटी कितनी देर होती है? क्या कह रहे हैं? इजाजत नहीं ये बताने। सही है सही है, लेकिन चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे कायदे आजम के मज़ार पे गार्ड होते हैं ना, वो तो बड़े अलर्ट होते हैं। एक वो सायरन बजता है गार्डों की, वो हम बचपन में लतीफ़ा सुनते थे कि कायदे आजम के मज़ार पे गार्ड क्यों हैं, तो बच्चे जवाब में कहते थे भाई कायदे आजम यहाँ से चले ना जाए कहीं। 1814 में ये आजाद हुआ है। इन्होंने अपना एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस दिन, क्योंकि गुलाम तो किसी के थे नहीं। हाँ। हमारे मुल्कों की तरह इन्होंने 1814-17 मई को अपना जो सर ना वो अपने मुल्कों को बदनाम ना करें ना। नहीं, कहने का मकसद ये कि चूंकि वहाँ पे हमारे पास तो अंग्रेज थे ना उस वक्त, मुसल्लत हो गए थे, तो ये तो खुद अंग्रेज है। तो इन्होंने 1814 की 17 मई को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। हाँ। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं उस दिन जो है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है? उन्होंने अपना 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 एक किस्म का अपना नेशनल का कानून आयन लिखा था, आयन दस्तूर लिखा था, किस किस लिमिट्स के अंदर अपने मुल्क को। ये डेनमार्क से आजाद नहीं हुए थे? नहीं, आजाद तो किसी से भी नहीं हुए। इनके जो बादशाह जो से ये रिश्तेदार है जो से आपस में नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क, तो बादशाह में यही है कि बादशाह के बाद उसका बेटा आएगा, बादशाह के बाद उसका बेटा आएगा। सही सही, लेकिन यह सिंबॉलिक है सब कुछ। सही है सही है। तो 1814 जी, ठीक है ठीक है, इनका आइन बना। राहिल भाई, तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी काफी मजबूत है ना जी? तो मजहब को ये लोग चाहते हैं क्रिश्चियन, अपने आप को तो क्रिश्चियन मुल्क बोलते हैं ना। यानी इस तरह से लिबरलिज्म बहुत ज्यादा नहीं है जैसे यूरोप के दूसरे कंट्रीज में, थोड़ा सा लिबरल तो बहुत है, यानी कि अपने आप को ये लिबरल कहना ही जो है ना पसंद करते हैं। अच्छा, मजहब अगर आप किसी भी यहाँ पे स्ट्रीट पे किसी आदमी को पूछेंगे तो वो बहुत भी हुआ तो ये कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, लेकिन मानता है अपने आप को क्रिश्चियन। डिपेंड करता है वो आदमी, मेजोरिटी जो है वो मजहब पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं कौन है, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना इमाम है, पूछ रहे हैं मेरे बारे में कौन है। जी जी, आपके बारे में चले, सिखाया कि थैंक यू। वो कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब हम दे देते हैं, लेकिन अगर गैर मुतालिका सवाल हो। नहीं, हम इससे इसके रिश्ते के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपकी इससे शादी होने वाली है। नहीं, उसे पूछा ना बादशाह यहाँ पे रहता है। सारे मुताल्लिक का सवाल ही पूछ रहे हैं। नहीं, उससे हमें पूछा ना कि यहाँ पे बादशाह रहता है कि नहीं। हाँ। उसने बोला कि ये मैं बता नहीं सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। चलो, फिर भी इसने बड़ी तमीज से बात की है और इन लोगों के बहरहाल एक ज़ाहरी जो अखलाक है, एटीट्यूड है, वो बहरहाल बहुत अच्छा होता है। आप भी पहली दफ़ा आए हैं? क्यों, वरना दूर से ही आंखें ठंडी। ये आमतौर पे ना बचपन में आते हैं स्कूल के साथ, वो कर 17 मई को। अच्छा, वो क्लासेस जो है ना लेके आते हैं स्कूल वाले, यहाँ पे सलाम करते हैं बादशाह को। ये आप नॉर्वे में लोगों के घरों का डिज़ाइन देखें, आप ऐसे झोंपड़ी नुमा बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये भी एक घर है। ये बत्तियां क्यों लगी हुई है घर के ऊपर? की शादी हो रही है किसी की? नहीं, दिसंबर है अभी इनकी जो है। अच्छा, वो क्रिसमस की वजह से। मैंने कहा शायद किसी गोरे की शादी हो रही है। ये वाले घर में बत्तियां नहीं है, दूसरे। ये बत्तियों वाला नीचे ये मौली रिजवान का है। अच्छा, ये मौलाना रिजवान साहब का घर है। देख लो, मौलाना लोगों के घर भी कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे यार। किराए पर किराए पर भी लिया हो, लेकिन घर तो है ना बाहर। अपना घर तो वैसे भी नहीं होता किसी का, किराए का ही होता है भाई। अपना घर तो कब्र है। ये देख लो आप घरों की स्टाइल। असल में यहाँ अंधेरा ही ज्यादा होता है, दिन में थोड़ी देर रोशनी थी, हमारा बयान हो गया उसमें। कितने खूबसूरत घर हैं ये, सारे पहाड़ों पर है देखे जाए तो नीचे सारे। एक तो ये मेरे मोबाइल की जो है ना वो नाइट विजन नहीं, उसमें जो है ना ये स्क्रीन सही वो धुंधली सी हो जाती है।
ये देखें कितने खूबसूरत घर हैं यहाँ, रिहायशी घर लोगों के। उफ, ये कैमरे में शायद इतने अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन जन्नत का समय है ये नॉर्वे। मैं आपके एक पिक्चर ले रहे थे। हाँ आप ले लें, मैंने मना कब किया है आपको, लेकिन ये है कि यूरोप में सबसे जो खूबसूरत कंट्री मुझे लगा है वो नॉर्वे लगा है। जो लोगों का रहने का जो एक स्टैंडर्ड है ना वो सबसे हाई है। ये घर हैं इन लोगों के। मुझे तकरीबन यहाँ 3 महीने हुए इस इलाके में। आपको कितने टाइम हो गया इस इलाके में? इस इलाके में 3 महीने। पहले अच्छा। इधर ही रहता था मैं। पहले आप कराची में कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? मैं तो पैदाइश यहाँ की है। क्यों यहाँ क्यों पैदा हुए आप? वालिद साहब आ गए थे, वालिदैन आ गए थे। यहाँ एक बच्चा पैदा होने पर ना कितने पैसे मिलते हैं? अभी नॉर्वेजियन 94,000 करोड़, 20 लाख रुपया, तकरीबन 20 लाख रुपया, 20 लाख पाकिस्तानी रुपए यहाँ पर एक बच्चा पैदा करने पर मिलते हैं। सुभान अल्लाह यार, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, दो तो ठीक है, तीसरा हुआ तो लानते मिलती हैं। और कोई तुम्हारा काम नहीं है इसके अलावा? पैसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चा भी ज्यादातर ऑपरेशन से हो रहा है, उल्टा बाप के अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है यहाँ पे, और सलावतें और मलामतें अलग मिलती हैं। यहाँ पे हत्तल इम्कान ऑपरेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है ना ऑपरेशन। हमारे यहाँ तो हर दूसरी खातून का ऑपरेशन हो रहा है पाकिस्तान। पूरी कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ना हो, यहाँ पर ऑपरेशन का रिवाज नहीं है। नहीं, तकरीबन अगर 18 से 20 घंटे भी गुजर जाते हैं हाँ, लेकिन फिर भी जो है तो अपनी पूरी कोशिश होती है कि ऑपरेशन ना हो। ये बात पाकिस्तानी डॉक्टरों के नोट करने की है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, जहाँ भी मैं गया हूँ कहते हैं ऑपरेशन नहीं करते यहाँ पे, बहुत कम रेशो है। पता नहीं हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये कुछ गड़बड़ है ये। ये पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है और कुछ नहीं है, गड़बड़ यही है। थोड़ी ये गाड़ी आगे ना यार, ये थोड़ी गाड़ी लेकर आए, रोशनी तो हो। तो यहाँ जी एक बच्चा पैदा करें आप और 20 लाख रुपए कमाएं, पाकिस्तानी 20 लाख रुपए। तो इतना ज़्यादा ये लोग नस्ल बढ़ाने को प्रोमोट कर रहे हैं। अब सही नज़र आ रहा है, ज़रा लाइट पड़ी है ना गाड़ी की। इतने खूबसूरत घर आप देख रहे हैं, वाह। ये लकड़ी के होते हैं जी? जी, पूरे नॉर्वे में इसी टाइप के खूबसूरत खूबसूरत घर हैं। छत पर सिर्फ पत्थर है, बाकी सारे तो आम लकड़ी है। वो सर्दी की वजह से लकड़ी के होंगे ना, ताकि जी टेम्परेचर जी गुड। अभी भी हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है, और गर्मियों में तो कहते हैं ये बिल्कुल ही जन्नत बन जाता है। गर्मियों में जबरदस्त, नीचे पानी है सारा, ये नीचे ये नीचे समंदर का पानी है। नहीं। अच्छा, जगह जगह यहाँ छोटे छोटे जजीरे से बने हुए हैं शहर में। ये ओस्लो शहर है जी, अच्छा ओस्लो के अतराफ में हम इस वक्त। बहुत खूब, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, तो मजे हैं भाई। ओहो, अगर हमारे 15 यहाँ पर हो जाते आज तो मैं करोड़पति होता। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं घर, आपके घर में बैग देखना था ना आपके। हाँ हाँ, आपका घर कौन सा है? ये किराए पर। आप अपना भी तो तारुफ करवाए ना। रिजवान दाऊद, यहाँ मैं इमाम हूँ, मस्जिद के इमाम है। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मानसेहरा से। मानसेहरा से, गुड। बहुत अच्छी किरात है इनकी, इन्होंने नमाज पढ़ाई थी मगरिब की, मज़ा आ गया इनकी तिलावत सुन के। और ये इनका घर है, ये सारी बर्फ पड़ी हुई है। ये सजाया हुआ क्यों है? ऊपर मैं नहीं रहता, ऊपर मैं नहीं, कोई और रहता है। जी जी, अच्छा अच्छा, गोरे रहते हैं, क्रिसमस के लिए उन्होंने सजाया। हां, नीचे काले रहते हैं, ऊपर गोरे रहते हैं। आ जाओ भाई, घर अंदर से भी दिखा दें। यहाँ मैंने जितने भी घर देखे हैं, जिन लोगों के घर भी हम गए, खाना वाना खाया, दावत हुई, तो सबके घर माशाल्लाह ऐसे ही है। हाँ, ये हो गया, देख लो भाई, इतने खूबसूरत खूबसूरत घर रखे हुए इन लोगों ने, खानदानी किस्म के। पाकिस्तान में हम लोग का बेड़ा गर्क किया हुआ यार। तो हम तो कोशिश करते हैं कि
ये लकड़ी क्यों रखी हुई है भाई? ये जलाने के लिए, यहाँ पर जलाने की सर्दियों में, सर्दियों में। अच्छा, वैसे तो अंडर फ्लोर हीटिंग भी है, इससे यहाँ से ऑन करते हैं। अच्छा, ये फ्रेश गर्म हो जाता है। बिजली महंगी है आजकल, किस वजह से? ये कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ, ये मेरा मालिक है। अकेले क्यों है? वाइफ वहाँ गए, मैके गए हुई है, तो हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है, हर जो है ना वीकेंड में मैं अकेला हूँ तकरीबन हर दूसरे। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। देख लो, घर वाले सुन लेंगे। अच्छा, ये इनकी किताबें हैं, माशाल्लाह, गुड हो गया। अल-मुहल्ला बिल आसार फी शरह मुजल्ला बिल इख्तिसार, गुड हो गया। तो आपकी फराहत कहाँ से? ब्लैकमन, यूके। वहाँ से आलिम भी बने हैं माशाल्लाह जी, साउथ अफ्रीका गए, मदरसे में पढ़े हैं वहाँ पे। वहाँ माशाल्लाह गुजराती लोगों ने, जी हाँ, इंडिया के गुजरातियों ने बड़ा दुनिया में मदारिस का जाल फैलाया है। आज हम सब बैठ सकते हैं। किचन के सिस्टम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे हैं, जी हाँ। यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि धुआं ना फैलाओ, बस कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जीरो होनी चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट का ये अजम है, ऐसा ही है ना? ऐसे ही, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक चूल्हे और डैम से बिजली बना रहे हैं। तो पानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए फ़ज़ा में बहुत साफ सुथरी हवा है, फ़ज़ा बहुत साफ सुथरी है। और जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं बहुत थोड़ी हैं, उन पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ ला रहे हैं ये। ठीक है, माशाल्लाह खानदानी हो गया। ऊपर गैराज है गाड़ियों के लिए, सर्दियों में फिर बर्फ पड़ती है। अच्छा, ये दिन में वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन दिन इतना छोटा था हमारा, वहाँ बयान मसाइल के सेशन में ही टाइम निकल गया। लेकिन बहुत खूबसूरत घर हैं, कल मौका मिला तो दिन में बनाऊंगा इंशाअल्लाह। जैसे खिलौने होते हैं ना बच्चों के, वो जो बॉक्स की शक्ल में, ऐसे घर हैं। और ये चार घर हैं, एक दो तीन चार। अच्छा अच्छा, सही है। आपसे पूछा था आपके इलाके में कोई है? ये तो इनके चर्च हैं, आप देखें, नॉर्वे में ओस्लो में चर्च बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन उसमें बंदे नहीं होते आमतौर पर, खाली वीरान पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिदें भी बहुत हैं। अब ये बंद तो करें शीशा, इतनी ठंड, कितनी गहरी खुदाई की है इन लोगों ने। उफ खुदाया, आप देखो यार।